प्रभात बोला प्रभात ला हाँ मिनट मिनट फोटो बाद सर सर प्रभात प्रभात वो तो ला रहे वो बाल मारते हैं प्रभात सही जा चलो पापा सर पूछना चाहूँगा जो इनिशिएटिव है मुकेश छाबरा जी का ये कितना इंस्पायरिंग है कितना इनोवेटिव है मुकेश छाबरा खुद ही इतने इंस्पायरिंग और इनोवेटिव है यू नो पिछले कुछ सालों में अगर आप कोई भी अच्छी फिल्म देखें उस फिल्म के साथ मुकेश छाबरा का नाम जुड़ा है ही और इन्होंने इतने नए कलाकारों को मौका दिया है एक प्लेटफॉर्म दिया है और एक रिकग्निशन दिलवाई है शायद ही किसी कास्टिंग डायरेक्टर ने ऐसा काम किया हो पहले अगर इन्होंने अपने आप को इस खिड़कियों के साथ एसोसिएट किया है तो यकीनन दोबारा ऐसा मौका लोगों को मिलेगा और मैं उसे बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा इसके लिए नहीं मुझे ऐसा मौका नहीं मिला और शायद मुझ में उतना कॉन्फिडेंस भी नहीं होगा कि मैं स्टेज पे जाके लाइव परफॉर्मेंस कर सकूँ लोगों के सामने ये स्टेज और थिएटर एक अलग ही जानवर है और यू हैव टू बी अ रियली ब्रेव एक्टर टू बी एबल टू डू इट अभी तो एक महीना रह गया गाने चल रहे हैं हमारे टीवी पे और वो तो मार्केटिंग टीम ही बताएगी क्या क्या इनका स्ट्रेटजी है तो आपके करियर के हिसाब से बहुत स्पेशल फिल्म है फितूर में भी जो बैकग्राउंड है कश्मीर का यू नो वो थोड़ा सा स्पेशल है आपके लिए एज अ डायरेक्टर आई मीन हर जो फिल्म आप भी बनाता है वो स्पेशल ही होती है राइट बड़ी छोटी जैसी भी हो जान तो लगी जाती है उसमें और अपने बच्चे जैसी होती है तो मुझे उम्मीद है कि जी मैं इस मामले में एक्सपर्ट नहीं हूँ शायद मुझे नहीं पूछना चाहिए सवाल देखिए मेरी पिछली फिल्म 3 साल पहले आई थी तो मतलब 3 साल में तो काफ़ी कुछ बदल जाता है तो मैं तो पूरे एक नए सिरे से देखने वाला हूँ मेरी फिल्म अभी तक सेंसर पे गई नहीं है तो बट ऐसा कुछ है नहीं फिल्म में जिससे मुझे डरना चाहिए तो मैं ज़्यादा नहीं सोच रहा इसके बारे में For more news and gossip, don't forget to subscribe to Bollywood Helpline.